सभी को अगेन हमारे तरफ से ईद मुबारक। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसको ऐसे पकड़ के खींच रही है इसीलिए वो रोने लग रही है, उसको बार बार खींचा तानी कर रही है। और वो चिढ़ जाएगी तो मुझे बहुत झमेला करेगी, मतलब रात में सोएगी नहीं, तो मुझे जल्दी घर चले जाना होगा। तो आज है हमारी लास्ट रोजे की लास्ट इफ्तारी। आज मैं पहली बार ये येलो तरबूज खाने जा रही हूँ। ये सारे फ्रूट्स, लस्सी, मैंने थोड़ा सा चिकन पकौड़ा बनाए थे, सारे पकौड़ेज है और चना। इस साल का इफ्तारी एकदम मेरा फेवरेट इफ्तारी से खत्म कर रही हूँ क्योंकि यही मेरा फेवरेट है। तो आज सबको बोला था यही खाएंगे बस, है ना। मैंने और बहुत सारा ऑप्शन दिया था रिया को, रिया ने बोला कि नहीं मैं इससे ही लास्ट इफ्तारी करना चाहती हूँ इस साल का। तो चलो इसको देखो, इसको आपको बदमाश की, आ जाओ मूड़ी देंगे, आ जाओ। हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, मेरा तो आईब्रो भी नहीं बना। मैं सोच रही थोड़ा सा इस बार फेशियल करूँगी, टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं कर पाए, लैस एक्सटेंशन में सोची थी, कुछ नहीं हो पाया। अभी जा रहे जाते टाइम थोड़ा सा अगर मतलब सलोन में फाँका रहा, खाली रहा, तो आईब्रोज बनवाएंगे। शाकिब का जूता वगैरह नहीं हुआ, वो कल अपना कुर्ता लेके आया है, तो उसके जूता लेने के लिए हम लोग सोच रहे हैं हावड़ा मैदान जाएंगे। कोलकाता जाएंगे ना बहुत मतलब रायू के हवा हवा लग जाएगी, तो इसलिए सोच रहे हैं सामने से कहीं जाके उसका जूता भी लेके आएंगे। तो अभी बहुत सारा काम है चांद रात के लिए। और आप सभी को चांद मुबारक। रात के 12:20 बज रहे हैं, शाकिब लेके आया रायू का बर्थडे केक, पर बर्थडे केक में ब्लंडर हो गया, हैप्पी बर्थडे नीचे गिर गया। तुलते बोल रहे तुम्हें गाड़ा में कर दिया है उसको उठा के। ये आर लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। गाइज मैं ना बहुत दिन से आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहती थी, एज अ न्यू मॉम मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करती हूँ जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। रायू का जो भी है ड्रेसेस वगैरह क्या यूज़ करती है, क्या खाती है एंड ऑल, बहुत कुछ। आज मैं ना आप लोगों को और एक यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी जो आप लोगों को अपने बेबीज के लिए रखना ही चाहिए। हेल्दी रहने के लिए फूड तो मैटर करता ही है कि टाइम पर हम लोग फूड दे रहे, पर हेल्दी रहने के लिए उसका जो चीज़ें हैं वो भी हेल्दी रहना चाहिए, राइट। मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, मतलब ये है कि अभी जैसे कि बेबीज का सभी काम होते हैं ना, वो लोग मुंह में दे देती है, हर कुछ मुंह में डाल देती है, जैसे टॉयज हो और उनको हम लोग फीड करवाते हैं तो उनका फीडर बॉटल भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत जन है बस नॉर्मल स्टेरिलाइज कर देते हैं और दे देते हैं। नहीं, नॉर्मल स्टेरिलाइज नहीं करना है उनको, बहुत अच्छे से क्लीन करके ही उनको देना है। प्रॉपर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनकी चीज़ें ना 100% बैक्टीरिया फ्री रहे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर क्लींजिंग तो ज़रूरी है। कि मैं यूज़ करती हूँ लवलव का बेबी लिक्विड क्लींजर। ये प्रोडक्ट इसीलिए बेस्ट है क्योंकि ये फूड ग्रेडेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो टॉफ स्टेन्स को निकालता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया फ्री तो करता ही है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, साथ ही साथ मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं कोई भी क्लींजिंग मैं यूज़ करी हूँ, पर इससे हाथ भी सॉफ्ट होते हैं, मतलब मॉमीज के हैंड भी सॉफ्ट रहते हैं। कैसे इसे यूज़ करती हूँ मैं पहले दिखाती हूँ, उसके बहुत सारे फायदे हैं पर मैंने तो आपको जस्ट कुछ ही बताए, तो चलो रायू का फीडर क्लीन करते करते आप लोगों को बताती हूँ। इसे बस नॉर्मली आपको पोर कर लेना है आपके बॉटल्स के अंदर, मतलब जो आप वॉश करना चाहते हो उसके अंदर डायरेक्ट इसे पोर कर सकते हो। और मैं बॉटल्स को हाफ पानी दे के भर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा शेक करके ऐसे क्लीन कर लेती हूँ, और बाहर का जो स्टेन है उसे क्लीन करने के लिए मैं डायरेक्ट स्पंज के अंदर इसे लिक्विड को ले लेती हूँ और ऐसे इसे क्लीन कर लेती हूँ। और ये इतना अच्छा स्टेन निकाल देता है मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि रायू का बॉटल्स थोड़ा सा येलो हो गया था, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन किया है। ओनली 5 to 10 seconds पानी के अंदर इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैं लवलव स्टेरिलाइजर से बॉटल्स को स्टेरिलाइज कर लेती हूँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज रह जाते हैं उसको बहुत अच्छे से हटाता है, मिल्क का जो रेसिड्यूज बॉटल्स के अंदर रह जाता है उसे भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। आपको बस नॉर्मल पानी में इसे बहुत अच्छे से धो लेना है 30 seconds तक। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज किया गया नहीं है, नॉन रेसिड्यूअल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इंश्योर्स बेस्ट हाइजीन फॉर योर बेबीज। आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, मतलब जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। आपको मैं ये प्रोडक्ट ज़रूर 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 रिकमेंड करूँगी और स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स। सो प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट बाई कर सकते हो। तो आज है ईद का दिन, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और देखो शाकिब हमारे जैसा एकदम मैचिंग कपड़ा लेके आया है। तुम लोग जल्दी रेडी हो जाओ।
अरे अभी तो चाय बना रहे हैं। तो गाइस आज है ईद का दिन, आप सभी को ईद मुबारक। मैं तो उठ के कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, रेडी भी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि जब तक रायू को मतलब कोई नहीं पकड़ेगा मैं कोई कुछ काम नहीं कर पाती। इसीलिए रायू सोई हुई थी, अभी शाकिब आया तो उसको पकड़ेगा। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी लेके आया है। ब्रेकफास्ट में कौन ऐसा तेल वाला चिकन खाता है? शाकिब खाता है, सब चलता है। देखो आज है चिकन, साथ में पूड़ी, ये है सिमई, सूखी सिमई, और ये शीरकुरमा। ना चाय कैसे भूल सकते हैं, चाय के बिना तो कुछ भी अधूरी है। अभी हो गया, अभी जस्ट रायू के नाम का पार्सल आया है, कुछ कुरियर राया बोल रहे थे। आई थिंक उसका कुछ कोलैबोरेशन का ही होगा, आज ईद के दिन सुबह सुबह। अभी राया आ गई, आ गई मेरी राया, आ गई अच्छी। अभी मेरी लाइक टाइम कितना ज्यादा जल्दी फ्लाई हो जाता है ना। लास्ट ईयर इस टाइम कितना पेन में थी, कितना दर्द। एकदम सुबह इसी टाइम रायू आ गई थी और अभी मेरी रायू सो गई है, क्योंकि सुबह थोड़ी पहले उठ गई थी ना इसीलिए। तो अभी मैं शावर करूँगी, रेडी हो जाऊँगी। देखो बच्चे कितने जल्दी जल्दी आपके सामने बड़े हो जाते हैं। आप लोग भी बोलोगे हाँ अभी तो जस्ट देखे राय हुई, कितना जल्दी बड़ी हो गई ना। सब उसके लिए प्रेयर करना कि अच्छी इंसान बने, लाइफ में कामयाब बने, और कुछ नहीं। यह हुआ नहीं यार, कब होगा यार? देख रहे हो तो अकेले सब करना पड़ता है। हम तीनों रेडी हो गए हैं, येलो कपड़ा पहन के, और आप सभी को ईद मुबारक। रायू बोले ईद मुबारक। रायू को देखो कितनी सुंदर, और नाम लिखा हुआ वो भी लगाई है अपना राया वाला। अभी सुंदर सुंदर फोटोज बनाएंगे, पर इतना अंधेरा है समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा फोटो आएगा कि नहीं। फुल लुक दिखाते हैं बाद में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, 1 बज गए। वहाँ जाके शाकिब रिकॉर्ड कर देगा। ये देखो राया का ईद का फुल लुक, और सोनू दिखाओ, और ये सोनू का, और रायू का कस्टमाइज्ड, देखो नाम लिखा हुआ राया, और रेड शूज, रेड चूड़ी, सब कुछ रेड। और रायू अभी बहुत मजे से चल रही है यहाँ पे, राया चैटर्जी। रायू सबको ईद मुबारक बोलो। रायू और यहाँ पे शीला और सोनू दोनों सेम कलर का ड्रेस पहनी है। ए उरी बाप रे। आप सभी को अगेन हमारे तरफ से ईद मुबारक। ये खराब तो नहीं हो गया ना? ये खराब हो गया। रायु का बर्थडे केक। ओमा डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Rayu, happy birthday to you, yeah, may God bless you, may God bless you Rayu. देखो ये सब कुछ भी खाने का नहीं है, बस महंगा होता है ये सब के लिए। नी भी तो बाप रे बाप। सोनू चॉकलेट मिला, देखो सोनू उसको प्यार का, तो उसको खिलाने जा रही। ओ सो स्वीट। इतना पर भी मिला उसको? उसको पता नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड में नहीं, उस हाथ में भी था। ये इसके अंदर है और ये इसमें है, इसका बटुआ में मिला, छोटू सा बटुआ, उसको पिंक कलर का ड्रेस भी सब अच्छा लगा। ये साथ किनका मिला मुलाकात हुआ? कैजरा ब्लॉग, आई थिंक आप सब जानते हो, दे आर सो फेमस। अरे बाप रे, देख रहे हो एटीट्यूड, देखो बंदे का। पैसा सबको भूल गया। हाँ रिया, रायू एप्पल खाते हुए खाना लो। तुम्हारे ग्रीन के संग पीछे ग्रीन के, येलो के संग पीछे ग्रीन वाला बैकग्राउंड बहुत सही लग रहा है। लंच में है पुलाव और साथ में है ये चिकन पापड़े, इसमें तेल भी देखो।
घर में आके ना सो गए थे और रायु तो जस्ट अभी उठी, अभी फिर से रेडी होंगे, फिर से जाएंगे और रायु का फिर से बहुत सारा कपड़ा हुआ है। पहले ये दिखाते हैं शाकिब की पीछी, ये वाला कपड़ा उसको दी है, ये एक फिर से नया कपड़ा हो गया रायु का। और उसको एक इंस्टाग्राम पेज है, उन्होंने 4 कपड़ा भेजा है। क्या पेज का नाम है मैं बता देती हूँ, लिटिल स्मार्ट, ठीक है, भेजा है। इसके साथ पैंट है, ये एक फ्रॉक, इसके साथ भी पैंट है ये, और 2 स्कर्ट और ब्लाउज, ये टॉप, ये इसका स्कर्ट, ये इसका स्कर्ट। मतलब रायु का इतना सारा कपड़ा हुआ है, मतलब ईद में तो एक ही दिन ईद है, अगर 2-3 दिन हम लोग मनाए घूमे तो पहनेगी, तब भी मतलब पहला वैशाख का भी हो गया, आई थिंक दुर्गा पूजा के लिए भी रखना होगा, इतना हो गया। तो चलो अभी फिर से रेडी होंगे, रायु को भी रेडी करेंगे। चलो रायु क्या कहते हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं और ये है हमारा नाइट का आउटफिट, और अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं, जाते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। मैं वहाँ उतर के मेरा फुल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को नॉर्मली, और ग्रेजुएट विद मी तो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा भी और प्यार भी दिया, और रायु को देख रहे हो मतलब घूमने जाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी हेयर बांध दिया है क्योंकि ना हेयर, देखो इयरिंग ना आज एक फेंक दी रास्ता में, इयरिंग खींच के फेंक दी है, अब ये भी गुम हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, दुकान कौन जाएगा। अभी हेयर बांध दिया था कि ना हेयर ना खुल जाए, और गर्मी भी है इसीलिए। तो हमारे ससुराल के एकदम सामने कितना सुंदर लाइट लगी है, कितना अच्छा लग रहा है। रायु ईद का लाइट देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, उसको लाइट्स बड़ा पसंद है ना, और यहाँ बैठ के देख पा रही है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। इस सोनू सुबह से उसको ऐसे पकड़ के खींच रही है इसीलिए वो रोने लग रही है, उसको बार बार खींचा तानी कर रही है। और सोनू दिखा दो ये कपड़ा में कैसी लग रही हो, दिखा दो एक बार, और क्रॉप टॉप पहन, अभी तो तुम ज्यादा स्मार्ट लग रही हो है ना। ऑलरेडी 10 बज रहे हैं तो अभी रायु को लेके भागना पड़ेगा, नहीं तो रायु का रात का खाना नहीं होगा और वो चिढ़ जाएगी तो मुझे बहुत झमेला करेगी, मतलब रात में सोएगी नहीं, तो मुझे जल्दी घर चले जाना होगा, क्या ही करे, बच्चों को तो सब करना पड़ता है ऐसे। देखो रायु घर आ गई है और अभी बहुत अच्छे से रायु वॉक करना सीख गई है। एक्चुअली ना वॉकर इन लोगों के लिए सही नहीं होता, खुद से चलने सीखेंगे ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। रायु उठो 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 उठो, और देखा रायु फिर से नया कपड़ा पहन लिए, रायु दिखाओ अपना नया कपड़ा, देखो रायु फिर से नया कपड़ा, ए नहीं हो तो इतना हील नहीं पहन पाओगी, देखो मेरा हील्स पहन रही है आके, नहीं बे तू हील्स नहीं पहन पाओगी। रायु रायु चलो घूम के आए, अभी रायु का खाना खिलाएंगे, उसके पहले थोड़ा सा उसको यहाँ लेके ठहलेंगे और क्या करेंगे, मम्मा पा मम्मा और बेटू मिलके दोनों मिलके ईद मनाएंगे। तो गाइस अभी रात पे एक ऑलमोस्ट बज गए, अभी मैं ब्लॉग खत्म कर रही हूँ, यहाँ पे खाली फिर भी आज तो खाना वाना एकदम जम गया और ब्लॉग भी जम गया, मतलब जो हुआ वही शेयर किया, देखते कल क्या करते, जो भी होगा हम शायद जरूर शेयर करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलिए बाय, लव यू।